मानता हूँ। नमस्कार पिला माने, क्लास खाता को मु स्वागत करुची। मु रजनीकांत महांत। तुम मानकर ट्विटर क्लास षष्ठ रु दशम श्रेणी पिला मानको पई एजुकेशनल वीडियो पई आम ए चैनल को सब्सक्राइब कर। आ पिला माने आज आम पढ़वा नवम श्रेणी रो बीजगणित प्रथम अध्याय। तो पिला माने मन रख, सिस्टमेटिक उपाय रे तुमको प्रथम यूट्यूब चैनल जोटि की सिस्टमेटिक उपाय रे तुमको पढ़ा जिवो। प्रति विषय पर तुम गोटे एग्जाम हम, जो एग्जाम रो क्वेश्चन तुम डिस्क्रिप्शन रे रहिबो, जोटि की तुम गोटे वीडियो रो गोटे दिन पर तुम पाई पारिबो। ठीक अछि, वर्तमान आम पढ़ुचे सेट प्रक्रिया और सेट रो प्रयोग। यह हूँ नवम श्रेणी रो बीजगणित प्रथम क्लास। तो आज आम कौन पढ़वा, आज आम पढ़वा सेट और तार उपादान, विभिन्न प्रकार सेट, सेट लिखन पद्धति आउ सेट प्रक्रिया। प्रथम आम पढ़वा सेट और तार उपादान, तापर आम जानवा सेट लिखन पद्धति कौन, तापर आम पढ़वा विभिन्न प्रकार सेट, आउतापर आम पढ़वा सेट प्रक्रिया। तो आज क्लास रे यही चारोटी जिनस पढ़ा जीव। ठीक अच्छे, तो पिलामाने देखो, प्रथमे आमे जीवा सेट, प्रथमे आमे कौन जीवा, प्रथमे आमे जीवा सेट। देखो सेट कौन आमे जानिबा, देखो सेट एमिति कहिबा को गले सेट रो कौनसी संज्ञा नहीं, सेट को संज्ञा बोले किसी जिनस नहीं था, किंतु ताकु बुझिबा पई आमे निजे गोटे संज्ञा बनई पारिबा। तो से जो संज्ञाटा मु बनेची सेटा बा बहिरे भी रोची, सेटा होची अष्टम श्रेणी आम पढ़ी एक निर्दिष्ट प्रकार वस्तु मानक समूह को सेट कहा जाए, एक निर्दिष्ट प्रकार वस्तु मानक समूह को सेट कहा जाए। कौन निर्दिष्ट प्रकार वस्तु मानक समूह गोटे ग्रुप है, आ ये जो निर्दिष्ट प्रकार वस्तु मानक कौन कहा जाए, निर्दिष्ट प्रकार वस्तु मानक कौन कहा जाए, सेट्र उपादान कहा जाए। तो पिला माने जान लो जे निर्दिष्ट प्रकार वस्तु मानक समूह को कौन कहा जाए, सेट कहा जाए, आ निर्दिष्ट प्रकार वस्तु मानक कौन कहा जाए, सेट्र उपादान। आम गोटे उदाहरण नहीं पारिबा, आमर गोटे उदाहरण 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 होची गणन संख्या, गणन संख्या मानक सेट, गणन संख्या मानक सेट, मानक सेट। तो एठी आमर कौन हो गण संख्या मानक सेट। तो एठी निर्दिष्ट प्रकार वस्तु को गुड़ाक हो, निर्दिष्ट प्रकार वस्तु हेले एठी गणन संख्या। तो गणन संख्या गुड़िक कौन हेले निर्दिष्ट प्रकार वस्तु, निर्दिष्ट प्रकार वस्तु। सेपर कि आम पूर्ण संख्या मानक गोटे सेट करपर कि गोटे परिमेय संख्या मानक सेट आम अलग अलग कर। ठीक अच्छे, तो आम एति जानवा सेट क्या कहा जाए, एक निर्दिष्ट प्रकार वस्तु मानक समूह को सेट कहा जाए, आ निर्दिष्ट प्रकार जो वस्तु सेट्र वस्तु मानक कौन कह जाए, सेट्र उपादान कहा जाए। आम गोटे उदाहरण ने गण संख्या मानक सेट, ये गण संख्याटा तुम हूँ कौन निर्दिष्ट प्रकार वस्तु। ठीक अच्छे, तापर देख आम सेट लिखन पद्धति विषय आम पढ़वा, सेट लिखन पद्धति कौन देख। तो प्रथम तुम्हें मन रखा पड़ो सेट, सेट को सर्वदा, सेट को सर्वदा सर्वदा इंग्राजी बड़ अक्षर द्वारा सूचित करा जाए। कौन करा जाए पिला माने, सेट को सर्वदा इंग्राजी बड़ अक्षर द्वारा सूचित सूचित करा जाए। ठीक ठीक अच्छे, तापर द्वितीय पॉइंट मन रखी थी पिला माने सेट रो उपादान, सेट रो उपादान मानंकु, सेट रो उपादान मानंकु इंग्राजी रो क्षुद्र अक्षर, क्षुद्र अक्षर द्वारा सूचित करा जाए, सूचित करा जाए। तो कौन सेट को सर्वदा गोटे सेट को दर्शेवाई कौन इंग्राजी बड़ अक्षर, सेट रो उपादान को दर्शेवाई कौन क्षुद्र अक्षर व्यवहार करा जाए। ठीक अच्छे, देख उपादान गुड़ी को गोटे कथा मन रखि था, सेट रो उपादान, सेट रो जो तुम उपादान है से मानंकु
कौन कुटिल बंधनी मध्य कुटिल बंधनी कुटिल बंधनी बंधनी मध्य रखा जाए रखा जाए आ प्रत्येक उपादान परस्पर को कमा द्वारा कौन करती परस्पर को प्रत्येक उपादान कौन करती प्रत्येक उपादान प्रत्येक उपादान तुम्हार कोमा द्वारा कोमा कोमा द्वारा परस्पर ठारु अलगा रहंती अलगा रहंती तो एठी आमर गोटे मु उदाहरण गोटे देखु छी उदाहरणटा कोन उदाहरण तुम्हार देखो मने करो गणन संख्या गणन संख्या मानक सेट कौन है गणन संख्या मानक सेट गणन संख्या मानक सेट को एन द्वारा सूचित एन द्वारा सूचित करा जाए कौन एन द्वारा सूचित तो आम गण संख्या गुड़ाक आम जानू 1 2 3 4 5 तो आम लिखिपरिया एन इज इक्वल टू तो आम कौन कही प्रथम कथाटा आम कौन कही प्रथम कथाटा कही इंग्राजी बड़ अक्षर इंग्राजी बड़ अक्षर देख इंग्राजी कौन बड़ अक्षर तो यहाँ गण संख्या जोटा कि इंग्लीश कह जाए नेचुराल नंबर तार फर्स्ट लेटरटा एन हो कैपिटल एनटा नेलु माने इंग्राजी कैपिटल लेटर जोटा कि बड़ अक्षर कह जाए एन नेलु है देख सेट्र तापर रहा उपादान उपादान गुड़ाक सब कौन भितर रखा जाए सब बंधनी मध्य रखा जाए आउ तो केते केते है 1 2 3 तो 1 2 3 गुड़ा उपादान तो तापर गोटे कथा कह प्रत्येक उपादान कोमा द्वारा प्रत्येक उपादान कौन कोमा द्वारा परस्पर ठारु अलगा रहंती कमा द्वारा परस्पर ठारु अलगा रहंती तो एठी आमर एटा होची एन सेट जोडी उपादान होची 1 2 3 जोडी उपादान के होउचंती उपादान होउचंती तुमर 1 2 3 ठीक अछि तो कोन खाली सेट लिखन पद्धति एति की अछि ना सेट लिखन पद्धति आउ टिके आगो को जाय छी सेट लिखन पद्धति तुमर दुई भाग रे विभक्त करा जाय छी कोन लिखा जाय छी दुई भाग रे गोटे होउछि तुमर तालिका तालिका प्रणाली आ द्वितीयटी होउछि तुमर सूत्र सूत्र प्रणाली तो तुमर गोटे तालिका प्रणाली आ गोटे हूँ तुम सूत्र प्रणाली गोटे कौन गोटे हूँ तालिका प्रणाली आ गोटे हूँ सूत्र प्रणाली तो तालिका प्रणाली कौन देख एटा हूँ तालिका प्रणाली कौटा देख जदि आम लिखा एन इज इक्वल टू कुटिल बंधनी मध्य आम लिखले कौन एटा हूँ तुम तालिका प्रणाली तो तालिका प्रणाली तुम कौन हुए समस्त उपादान गुड़ी को लिखा को पड़े कौन हुए तालिका प्रणाली गोटे कथा मन रखि था समस्त समस्त उपादान गुड़ी को लिखा को पड़े तो समस्त उपादान कहार सेट्र सेट्र तो मन रख यहाँ तुम सेट्र समस्त उपादान गुड़ी लिखा को पड़े कौन तालिका प्रणाली किंतु सूत्र प्रणाली जब आम लिखा ये गणन संख्या मान सेटा को देख एन एन लिखले तापर देख एटी एक्स एटी आम कौन लिखले एक्स तो एक्सटा तुम ये कौन बुझे सेट्र गोटे उपादान को क्या सेट्र गोटे उपादान सेट्र गोटे उपादान
ठीक अच्छे सेट रोटे उपादान को बुझौच आपर ये देख तापर एक्स बिलंगस टू एन आईटा तुम कौन सूत्र यहाँ हूँ सूत्र सूत्रटा कौन देख एक्सटा जो सेट्र गोटे उपादान सीए कौन हो सीए एन को बिलंग करलंगस टू एन बा एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ एन।